कमंडल का मतलब समझिए तुम क्या है, मतलब अमंडल क्या है, बीजेपी की तरफ मंडल, व्हाट इज मंडल एंड कमंडल, आप हमको एक्सप्लेन कीजिए। एक पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है, वो तो सोच पे है ना, विचार पे है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी जात के खिलाफ कुछ कुछ नहीं है। तेजस्वी जी, आपने कल कहा है कुछ लोग महागठबंधन में हैं लेकिन बीजेपी के एजेंडे को अपनाते हैं या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो कुछ है तो वैसे लोगों को पहचान आप कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, अरे भाई नजर है? कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो, सभी दल की बात बोल रहे हैं। मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं, आपको एजेंडा चेंज करना है वापस, एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है, लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है, हर किसी को आप देखेंगे, को चाहे कोई भी धर्म हो उसका सम्मान तो बताएंगे है ना करना, एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। हम चाहते हैं कि ऐसा सर्किट्स वगैरह हैं जिसको और डेवलप किया जाए, विच वी कैन एंगेज ऑल द टूरिस्ट, केवल टच एंड गो ना रहे, बल्कि दे शुड कम ओवर हैं, दे शुड स्पेंड टाइम एंड दे शुड हैव अ गुड एक्सपीरियंस, ताकि टूरिस्ट जो आएंगे और वो फिर अपने यहाँ लौटेंगे, अगर माउथ पब्लिसिटी हो तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। तो एक ऐसा एक्सपीरियंस हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि केवल 1-2 दिन के लिए ही नहीं, बल्कि कम से कम आए तो दे शुड स्पेंड अ वेकेशन या अ वीक घूम के। कमंडल का मतलब समझिए तुम क्या है, मतलब अमंडल क्या है, बीजेपी की तरफ मंडल, व्हाट इज मंडल एंड कमंडल, आप हमको एक्सप्लेन कीजिए ना पहले। अब तो ये तो उनको जड्डा बाबू को एक्सप्लेन करना चाहिए, आप क्या समझे तब ना सवाल पूछ रहे होंगे। वो उनका इशारा बीजेपी की तरफ या आरएसएस की तरफ होगा, और ये इधर जो मंडल के जो हैं रहे, लड़ाई लड़े हैं लालू जी नीतीश जी, पार्टी हम लोग आइडियोलॉजी क्या फॉलो करते, सेक्युलरिज्म सोशल जस्टिस है ना। आप किसी को जात में नहीं बांट सकते कि भैया फल्ला ये है, चाहे पिछड़े जात का भी सामंतवादी हो सकता है, वो तो सोच पे है ना, विचार पे है, वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये किसी जात के खिलाफ कुछ कुछ नहीं है, मतलब जगदा बाबू के जो बयान दिया उससे आप सहमत नहीं है? अरे भाई वो आपका विचार है, आपको जैसे लिखना वो लिख सकते हैं, वो आपको आपके समझ के ऊपर है ना, आपको जो समझ में आया वो लिखे। और आजकल आप लोगों के भी समझने पे भी कहाँ लिखा जाता है, वहां से दिल्ली से जो आता वही लिखते हैं। तेजस्वी जी, आपने कल कहा है कुछ लोग महागठबंधन में हैं लेकिन बीजेपी के एजेंडे को अपनाते हैं या बीजेपी के एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो कुछ है तो वैसे लोगों को पहचान आप कर रहे हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी, अरे भाई नजर है? कौन महागठबंधन नहीं, कौन क्या साजिश रचता है सब पता है ना, चाहे कोई कहीं भी हो, सभी दल की बात बोल रहे हैं।